Pakistani passport mean green passport rank in the fourth position of the weakest passport in the world. मैं चिम शुएब, आप देख रहे हैं बी वन बिलियनियर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। एक हैनली एंड पार्टनर्स जो कि ग्लोबल एडवाइजरी कंपनी है दुनिया की, जो कि पासपोर्ट वाइज रैंक करती है कंट्रीज को, उसकी जो लिस्ट है वो शाया हुई 19 जुलाई 2023 कल, जिसमें पाकिस्तान को फोर्थ वीकेस्ट पासपोर्ट के रैंक दिया गया। वीकेस्ट पासपोर्ट होने की फर्स्ट वजह वीक फाइनेंशियल कंडीशन। पाकिस्तान में 1/4 नेशन जो है वो बिलो द पॉवर्टी लेवल जिंदगी बसर कर रहे हैं। एंड द सेकंड रीजन वीक पॉलिटिकल कंडीशंस। जिस तरह कोई एक गवर्नमेंट आती है वो अपने मुआहदे कुछ कंट्रीज के साथ करती है, और जब वो गवर्नमेंट ख़त्म होती है, नई गवर्नमेंट आती है, तो उनके मुआहदे उसी तरह ही ख़त्म करके न्यू गवर्नमेंट अपने मुआहदे स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी तरह जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज क्रिएट कंट्रीज में हुई रहती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी भी बाउंड रहती है। एंड द थर्ड रीज़न लॉ अबाइडिंग सिटीज मीन पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें लॉ की रूल्स रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं करता। जिसको जहां मौका मिलता है वो वहां रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ता है, और ये एक बड़ी वजह है पाकिस्तान के पासपोर्ट को वीक करने में। एंड द फोर्थ विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर द वीकेस्ट पासपोर्ट विच इज़ ओवरस्टे इन द कंट्रीज। जब पाकिस्तानी कोई वीज़ा लेते हैं दुबई, सऊदी अरब या किसी भी कंट्री का, तो वो दो साल का, एक साल का, डेढ़ साल का लेके चले जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ ही एक्सटेंशन करवाते करवाते 8 से 10 साल, मैक्सिमम 20 साल तक लोग वहाँ पे रहते हैं। 2 साल के लिए जाते हैं लेकिन 10-20 साल गुजार के आते हैं। हमारी नेशन का ओवरस्टे दूसरी कंट्रीज में हमारे पासपोर्ट को वीक करता है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न जो कि हर जगह हर पर्सन जानता है, जिसे मैं उर्दू में ही बताऊंगा, डंकी। लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, इंडिया में, बांग्लादेश, डिफरेंट कंट्रीज से जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें से लोग डंकी लगाते हैं। मीन एजेंट्स के थ्रू कुछ ही पैसे देकर गैर कानूनी तरीके से कंट्रीज में, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन डिफरेंट कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं, हिजरत करते हैं, वो भी इलीगल तरीके से। और वो जब पकड़े जाते हैं या वहाँ पर स्टे करते हैं तो उससे उस कंट्री का इमेज डाउन जाता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट वीक होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कितना असर पड़ेगा। जिस तरह पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से, फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल कर वाइट लिस्ट में आया बहुत मुश्किल से, बहुत ही काविशों के बाद, इसी तरह ये एक सिम्टम, एक निशानी ये है कि जो हमें वापस उस लिस्ट में ले जा सकती है। इसी तरह जितनी भी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट्स आती हैं, अगर उनमें पाकिस्तान का इमेज ख़राब है तो ऑब्वियसली मार्केट, इकोनॉमी, सब कुछ डाउन ही जाएगी। अगर दूसरी तरफ मार्केट, ये इमेज पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड इदारों में अच्छा होता है, लिस्ट जो भी पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग में आए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट और बाकी सब बिजनेस भी ग्रो करेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।